नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। अक्षय कुमार स्टार फिल्म ओ माय गॉड 2 को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दे दिया है। हालांकि बोर्ड ने फिल्म में कोई कट नहीं लगाया है, पर इसमें 25 बदलाव करने का सुझाव जरूर दिया है। इन बदलावों में सबसे बड़ा बदलाव है फिल्म में अक्षय को शिव नहीं बल्कि शिव भक्त के किरदार में दिखाया जाए। एक दिन पहले ही सोमवार को सेंसर बोर्ड ने फिल्म के ट्रेलर को यूए सर्टिफिकेट दिया था। इसके साथ ही अब ट्रेलर और फिल्म दोनों के ही रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। कहा जा रहा है कि मेकर्स फिल्म में बोर्ड द्वारा सुझाए गए 25 में से 14 बदलाव करने के लिए सहमत हैं। हालांकि अगर मेकर्स बाकी बदलाव नहीं करना चाहते तो इसके लिए भी मेकर्स को बोर्ड को कन्विंस करना होगा। इसी के साथ ये भी तय है कि यह फिल्म 11 अगस्त को सनी देओल स्टारर गदर 2 के साथ ही रिलीज होगी। फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 36 मिनट का होगा। बोर्ड के क्लियरेंस के लिए काफ़ी वक्त से अटकी इस फिल्म का प्रमोशन भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। फिल्म की कहानी मंदिरों के शहर उज्जैन में रहने वाले भगवान शिव के परम भक्त कांति शरण मुद्रल के इर्द गिर्द बुनी गई है। जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में भगवान कांति के सामने प्रकट होते हैं और इसके जीवन में आने वाली चुनौतियों को हल करने में उसकी मदद करते हैं। सेक्स एजुकेशन जैसे बोल्ड सब्जेक्ट पर बेस्ट इस फिल्म में अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म 2012 में रिलीज परेश रावल और अक्षय कुमार स्टारर ओ माई गॉड का सीक्वल है। उस फिल्म में अक्षय ने श्री कृष्ण का रोल प्ले किया था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।